हेलो माय टू फ्रेंड्स, मैं भी टोक छह गूगल जोन में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आई मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जी नेट बैंकिंग के बारे में, जो कि अगर आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हैं तो फिर नेट बैंकिंग से सारा कुछ कैसे करें, यानी कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल छोड़ के बाकी सारा कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हो ए टू जेड। तो देखिए वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आई मोबाइल। ये आई मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आईसीआईसी बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो यही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं, आई मोबाइल बाय आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंस। इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छी है, 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन प्लस लोग इसे डाउनलोड कर रखे हैं। तो चलिए हम भी इसे डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं इसका, कि कैसे यूज किया जाए। इससे आप सारा कुछ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप चेक कहीं भर के रखे थे और चेक खो गया या फिर गायब हो गया या फिर कोई चुरा लिया, तो आप यहाँ से ही स्टॉप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं बैंक जाने की। अगर आप न्यू एटीएम कार्ड टूट गया है या फिर स्टॉल हो गया, गायब हो गया है, चोरी हो गया, कुछ भी, तो यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं और न्यू एटीएम कार्ड यहाँ से इशू भी कर सकते हैं। यानी कि ए टू जेड आप ट्रांजेक्शन, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, सारा कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल कर लेने हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर होने चाहिए, क्योंकि ये आईसीआईसी बैंक के कस्टमर के लिए ही है। और आपका जो फ़ोन में आप इंस्टॉल कर रहे हो उस फ़ोन में आपका सिम लगा होना चाहिए, जो कि आप बैंक में दे रखे हो। जो सिम यानी मोबाइल नंबर बैंक में दे रखे हो वो आपके फ़ोन में होना चाहिए, स्मार्टफोन में। वो होने के बाद आपको आई मोबाइल डाउनलोड करने हैं प्ले स्टोर से और उसके बाद ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू करने हैं, कंटिन्यू गॉट इट। उसके बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है आईसीआईसी बैंक का, तो इस पर आप क्लिक करते हो। इस पर क्लिक करने के बाद रेफर्ड बाय ऑप्शनल ये डाल भी सकते हो या नहीं भी, किसी का एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत होता है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी भी डाल सकते हो, 368457 आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक्टिवेट नाउ, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद, अगर आपके स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड लगा है तो ये ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा सिम आपका रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर। तो मेरा जियो का है, जो कि जियो का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बैंक अकाउंट में, खाता खुलवाते समय ही दिया हूँ, तो जियो का मेरा अकाउंट है तो मैं जियो का सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक सिम है तो वो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो आपको फिर यहाँ पे ये जाने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद जो रजिस्टर नंबर है उस पर सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद OTP जाएगा, ऑटोमेटिक फेच लेगा यानी ऑटोमेटिक वेरीफाई लेगा। तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है थोड़ा सा। देखिए वेट करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन बनाना है आपको। तो आप कुछ भी बना सकते हैं 4 डिजिट का पिन, आप कुछ भी, जैसे कि हम एग्जांपल में 1234 और फिर मैं बाद में चेंज कर लूँगा और 1234, इस तरह का मैं पिन दोनों में सेम डाल देता हूँ। आपको सेम पिन दोनों में डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर लेने हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो फिर आपके पास जो सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड है आईसीआईसी बैंक का, वो एटीएम निकालिए और निकालने के बाद ग्रिड नंबर डालना होगा आपको, जो कि इस तरह का एटीएम के पीछे अगर पलटोगे तो ग्रिड नंबर ऐसा होगा, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दर्शा रहा है, जैसे कि सी में कुछ नंबर होगा, एफ में नंबर होगा 2 अंक का और एन में नंबर होगा, सब में 2 अंक का नंबर होगा। वो नंबर आपको डालना है आपके एटीएम कार्ड के पीछे से देख के। तो मैं सी में जो नंबर है वो डालता हूँ, इस तरह मैं सब। तो मैं एटीएम से ग्रिड नंबर डाल चुका हूँ देखकर। तो उसके बाद वो डालने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ़ोन है स्मार्टफोन, उसमें आपका रजिस्टर नंबर लगा होना चाहिए, जो कि आप बैंक अकाउंट में दिए हो ये लगा होना चाहिए, और आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी ये आई मोबाइल एप्लीकेशन काम करेगा। तो ये इंटरनेट बैंकिंग ही समझिए आप, ये मोबाइल बैंकिंग के लिए है, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें। और अगर आपका लॉक है, फिंगरप्रिंट से लॉक है, तो इनेबल फिंगरप्रिंट कर दीजिए, ताकि आप ये एप्लीकेशन फिंगरप्रिंट से भी खोल सके और पिन से भी खोल सके। यहाँ पर एक मैसेज भी आया, आप दिखा देते हैं। तो मैसेज में है, डेयर कस्टमर वेलकम टू आई मोबाइल एप्लीकेशन, नीचे वाला आप मैसेज पढ़िए, डेयर कस्टमर थैंक यू फॉर फिंगरप्रिंट रोलिंग। उसके बाद बैक आ जाना है आपको, यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, पिन वगैरह बना लेते हो, तो लॉग आउट हो जाता है। उसके बाद आप
आप फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हो इसे, ये एप्लीकेशन को, और एम पिन से भी खोल सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एम पिन किसी को बताते हो तो वो भी खोल सकते हैं। तो ये एम पिन आप ही को पर्सनल पता होना चाहिए, किसी को शेयर करने की चीज़ नहीं है ये। तो या तो आप फिंगरप्रिंट टच करके खोलो, अगर आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट लॉक है पीछे अगर टच करोगे तो खुल जाएगा। तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, फिंगरप्रिंट से खोल रहा हूँ इसे। iMobile खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, यानी कि आपका iMobile खुल चुका है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली खुल चुका है, ये बन चुका है। अब यहाँ से सारा कुछ आप कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, किसी को अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, यानी कि आपके ICICI बैंक से ICICI बैंक में किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो भी ऑप्शन है। देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र पर जाते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं। फंड ट्रांसफर जाने के बाद यहाँ पे नीचे लास्ट में देख रहे हो ट्रांसफर फंड टू न्यू पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ICICI बैंक में भेजना है किसी को तो ICICI बैंक, अदर बैंक में भेजना है तो अदर, इसमें टाइप करके आप सबमिट करके अमाउंट डाल के भेज सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लिस्ट भी देख सकते हो, जो जो ऐड किए हो उसका लिस्ट भी आ जाएगा। यहाँ बिल पेमेंट, किसी को भी बिल पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डीटीएच, इतने सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बिल पेमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH कंपनी या गूगल प्ले, डाटा कार्ड, किसी भी कंपनी को आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ये हो गया, रिचार्ज तक हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, यहाँ पे कैश डिपॉजिट, अकाउंट डिपॉजिट, तो यहाँ पे अकाउंट्स एंड डिपॉजिट में जाके आप अकाउंट का डिटेल्स भी देख सकते हो। पे लेटर अकाउंट है तो पे लेटर का भी डिटेल्स देख सकते हो, पॉकेट वॉलेट का देख सकते हो, डिपॉजिट आई विश फ्लेक्सीबल आई डी भी यहाँ से खुलवा सकते हो, PPF अकाउंट भी खोल सकते हो, करेंट अकाउंट भी यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हो खोलने के लिए, ऑफ़र भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑफ़र है तो यहाँ से लोन भी ले सकते हो। जी हाँ, आप लोन भी ले सकते हो, अगर आप अच्छे खासे मेंटेन कर रहे हैं, 6 महीना पुराना आपका अकाउंट है तो लोन का भी ऑफ़र आ जाएगा, प्री अप्रूव्ड लोन, जो कि बिना कोई डॉक्यूमेंट्स का आपका लोन सेंशन हो के आपके अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा, जो कि इसी मोबाइल के थ्रू हो जाएगा आपका। और क्रेडिट कार्ड का भी ऑफ़र आता है, तो क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ से ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, ये सब यहाँ से ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑफ़र है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो, और बहुत लंबा भी हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। और यहाँ पे कार्ड्स में जाओगे तो कार्ड्स का डिटेल्स, अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो तो वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स बताएगा इसमें, लोन यूज कर रहे हो तो लोन्स के बारे में इसमें बताएगा, लोन्स एंड फॉरेक्स में आपका डिटेल्स, गोल्ड लोन वगैरह जो भी लोन चल रहा है, और इन्वेस्ट इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस का बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, जनरल इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। भीम UPI भी बना सकते हो यहाँ से, जो कि अपना भीम UPI अकाउंट का। और सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्टेंट बैंकिंग सर्विस में जाके आप कैश डिपॉजिट करना है, बैंक में जाके विड्रॉल करना है, जो भी करना है तो यहाँ से आप स्लिप भर सकते हो, आपको स्लिप भरने की ज़रूरत नहीं, यहीं से करके जा सकते हो। MCD कोड जनरेट होगा डिपॉजिट में, तो वो आप कैश काउंटर पर दीजिए और कैश दीजिए, वो आपको जमा हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डिपॉजिट स्लिप भरने का पेपरलेस हो चुका है वो, तो आप अपडेट भी पैन कार्ड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट DD, अकाउंट सर्विस, कार्ड सर्विस में न्यू कार्ड आप एक्सेस कर सकते हो, चेकबुक सर्विस में आप चेकबुक यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, और स्टेटस भी देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऑप्शन है सर्विस में, आप देख सकते हो टूल्स, चेक स्टेटस, जो भी कुछ आपका कुरियर पे है तो वो स्टेटस भी चेक हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगा इसका। यहाँ से फ्लाइट बुकिंग, बस टिकट, टर्म इंश्योरेंस, IVIS, FD, RD सब ओपन कर सकते हो, एक्सपीशन डेबिट कार्ड किसी को गिफ्ट में दे सकते हो, एक्सपेंड वगैरह। तो और एक ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ से पासबुक भी देख सकते हो, यहाँ पे पासबुक भी क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे आपका बैलेंस से लेकर हर कुछ स्टेटमेंट में दिखा देगा, तो पासबुक पे क्लिक करते ही आपको सारा कुछ दिखा देगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है, और फिर होम में जाते हैं वापस, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो iMobile के थ्रू आप लोन्स भी ले सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल यहाँ से लोन ले सकते हो, जो कि प्री अप्रूव लोन, इंस्टेंट लोन, यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर क्लिक करोगे तो वो लोन अप्रूव होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो बिना एनुअल फ़ी का, जो कि लिमिट है 50,000, 70,000, 45,000, जो भी लिमिट हो वो आप ले सकते हो यहाँ से। तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि आप यहां से क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो iMobile के थ्रू, अगर आप ICICI बैंक सेविंग अकाउंट के यूजर हैं या कस्टमर हैं तो कैसे ले सकते हो लोन किसी को,
तो ये चीज हम बिना ब्रांच जाए आपको बता दूंगा कि बिना ब्रांच जाए आप कैसे ले सकते हो। आपको सिर्फ ब्रांच जाने के लिए कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने जाना है, बाकी सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। और मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि आप अगर आप करेंट अकाउंट का यूजर है यानी कि आपका करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट के लिए आईबीज होता है, आईबीज कैसे यूज किया जाए, तो आईबीज कैसे यूज करेंगे और उसका डिटेल्स बताऊंगा, कैसे फंड ट्रांसफ़र करना है, NEFT RTGS कैसे करना है जो कि बिना बैंक जाए, तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का गूगल जोन चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लोगों को बताइए ये चीज़ की स्किल बताइए कि कैसे यूज करना है iMobile को, ताकि गलत तरीके से यूज नहीं कर पाए कोई और फ्रॉड से बचे लोग। और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, बाय बाय।